तो रेडियो एक्टिविटी क्या प्रोसेस है? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को वो तोड़ लेता है या टूट जाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ताकि वो खुद अपने आप को स्टेबल कर सके। और अगर वो छोटे न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हैं, वो और टूट जाते हैं नए न्यूक्लियस में ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो इसलिए बड़ा न्यूक्लियस छोटों में टूटता जाता है, इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। टूटने को बोलते हैं डिसइंटीग्रेट होना। तो डिसइंटीग्रेट होता है और कोई बाहर से कोई एजेंट नहीं है जो फोर्स लगाता है, अपने आप ही एक्टिविटी चलती रहती है। तो तीन टाइप की रेडिएशन निकलती है रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जब रेडियो एक्टिविटी चलती है तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन के दौरान अल्फा, बीटा या गामा कुछ भी निकल सकता है। अल्फा या बीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, पर गामा को कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अल्फा बीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होते हैं एंड नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, गामा नहीं होते। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इनकी नेचर के बारे में बता रखा है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो है चार्ज ऑफ डबल द चार्ज ऑफ प्रोटोन होता है, और हीलियम न्यूक्लियस को ही बोलते हैं, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 times दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, और पेनिट्रेटिंग पावर स्मॉल है, आयनाइजिंग पावर इनकी लार्ज है एंड सो ऑन। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने नजर मारनी है, वैसे आती नहीं है इसमें। तो ऐसी गामा रेज की प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से।